हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं डेटाबेस के बारे में। डेटाबेस के कितने टाइप्स होते हैं, डेटाबेस के क्या क्या एडवांटेज है एंड इसके एप्लीकेशंस भी देखेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, आपको इस वीडियो में काफ़ी इजीली समझ आएगा कि डेटाबेस क्या होता है। सो फ्रेंड, डेटाबेस एक ऐसी फाइल होती है जिसमें बहुत सारे डेटा को एक ऑर्गेनाइज तरीके से स्टोर किया जाता है। इसमें डेटा को टेबल में स्टोर किया जाता है। एक डेटाबेस में एक या एक से ज़्यादा टेबल्स हो सकते हैं। डेटाबेस डेटा का एक ग्रुप होता है जिसे हम एक प्रकार से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसमें डेटा को इजीली एक्सेस, मैनेज और अपडेट किया जा सकता है। डेटाबेस में हम बहुत फास्टली और इजीली अपने इच्छा के अनुसार डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। अनदर लैंग्वेज में कहे तो DBMS में डेटाबेस डेटा का एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन होता है। इसी वजह से यूज़र इसे बहुत ही ईजीली एक्सेस और मैनेज कर सकते हैं। इसमें हम डेटा को टेबल्स, रोज, कॉलम में ऑर्गेनाइज करते हैं, इसीलिए हमें उसे राइट इन्फॉर्मेशन को सर्च करना आसान हो जाता है। एग्जांपल के लिए, एक लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स स्टोर होती है। ये बहुत सारी बुक्स का एक कलेक्शन होता है। यहाँ पर लाइब्रेरी एक डेटाबेस है और बुक्स जो है वो एक डेटा है। डेटाबेस का मेन मकसद डेटा को स्टोर, रिट्राइव और मैनेज करके बड़ी मात्रा में इंफॉर्मेशन को ऑपरेट करना होता है। आज के समय में इंटरनेट में बहुत सारी वेबसाइट है जिन्हें डेटाबेस के थ्रू हम हैंडल कर सकते हैं, जैसे कि मेक माई ट्रिप, ओयो रूम के द्वारा हम किसी होटल में रूम को बुक कर सकते हैं। ये वेबसाइट डेटाबेस का यूज़ करती है। आजकल बहुत सारे डेटाबेस का यूज़ किया जाता है, जैसे कि MySQL, Oracle, MongoDB, SQL सर्वर, Sybase, Informix, Amazon रेशनल डेटाबेस सर्विस, EMS SQL मैनेजर। आधुनिक डेटाबेस को DBMS मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा मैनेज किया जाता था। ट्रेडिशनल डेटाबेस को तीन चीज़ों के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो है फील्ड, रिकॉर्ड और फाइल। फील्ड एक सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, रिकॉर्ड एक कंप्लीट सेट ऑफ फील्ड होती है और फाइल जो होती है वो एक कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड होती है। एग्जाम्पल के लिए, डिक्शनरी एक डेटाबेस की तरह ही होती है, जो एक फाइल की तरह होती है जिसमें किसी भी वर्ड को ईजीली सर्च किया जा सकता है। फ्रेंड्स, अब जानते हैं डेटाबेस के क्या क्या फ़ायदे हैं, मतलब क्या एडवांटेज है। यह डाटा रिडंडेंसी को कम करता है और डुप्लीकेट डेटा को स्टोर नहीं कर सकता। यह डाटा इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी प्रदान करता है। इसमें कोई अनऑथोराइज्ड यूज़र डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकता। इसमें दो या दो से अधिक यूज़र एक समय में डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। इसमें डेटा को दूसरे यूज़र को शेयर किया जा सकता है। डेटाबेस में डाटा को ईजीली एक्सेस किया जा सकता है। इसमें डेटा को सर्च करना और उसे रिट्राइव करना बहुत ही इजी होता है। पुराने डेटाबेस में हमें हर सर्च के लिए प्रोग्राम को लिखने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आजकल के डेटाबेस में ओनली कमांड का यूज़ करके किसी भी डेटा को सर्च कर सकते हैं। कोई भी यूज़र बिना ऑर्डर के डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकता। डेटाबेस में डेटा का बैकअप लेना बहुत ही ईजी होता है और किसी भी वजह से डेटाबेस करप्ट हो जाए तो हम डेटा को फिर से रिस्टोर कर सकते हैं। इसमें डेटा को कंसिस्टेंट होता है क्योंकि इसमें डेटा रिडंडेंसी नहीं होती। फ्रेंड्स, आप जानते हैं इसके क्या डिसएडवांटेज है। डेटाबेस सिस्टम को डिज़ाइन करना बहुत ही हार्ड होता है और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। अगर डेटाबेस डैमेज हो जाए तो इसमें सभी एप्लीकेशन प्रोग्राम पर बुरा प्रभाव पड़ता है। आपको यूज़ करने से पहले इसको सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बिना सीखे इसका यूज़ आप नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, आप जानते हैं डेटाबेस के कितने टाइप्स होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, यह एक टाइप का डेटाबेस होता है जो कि एक ही सिस्टम तक सीमित नहीं होता। यह नेटवर्क में बहुत सारे साइट या कंप्यूटर को फैला रहता है। दूसरे लैंग्वेज में कहे तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस बहुत सारे इंटरकनेक्टेड डेटाबेस का एक कलेक्शन होता है, जो कि अलग अलग लोकेशन पर फैले रहते हैं और ये आपस में कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। सेकेंड होता है रिलेशनल डेटाबेस। इस टाइप का डेटाबेस में रिलेशनशिप को टेबल के रूप में डिफाइन किया जाता है, जिसमें डेटा को रिलेशन मतलब टेबल के स्टोर पर किया जाता है तथा प्रत्येक रिलेशन में रोज और कॉलम होते हैं। रेशनल मॉडल टेबल का एक ग्रुप होता है जिससे डेटा तथा रिलेशनशिप को स्पेसिफाई किया जा सकता है। थर्ड टाइप होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। इस टाइप के डेटाबेस में डाटा ऑब्जेक्ट के रूप में स्टोर होता है। एक ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है। एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के रूल्स का पालन करना है। यह मॉडल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे पाइथन, जावा, VB.NET और पर्ल एट्सेट्रा के साथ वर्क करती है। इसका निर्माण 1980 के दशक में किया गया था। देन जो फोर्थ टाइप है वो है डेटा वेयर हाउस।
एक टाइप का डेटाबेस है जिसका यूज़ आमतौर पर अलग अलग सोर्स के बिजनेस डाटा को कलेक्ट और एनालाइज करने के लिए किया जाता है। डाटा वेयरहाउस कई टाइप के रिसोर्सेज से इंफॉर्मेशन एक स्थान से कलेक्ट करता है जिसे रिपोजिटरी कहते हैं। इसे सारी इंफॉर्मेशन एक ही स्कीमा में स्टोर की जाती है। एक बार कलेक्ट हुआ डेटा लंबे टाइम तक स्टोर रहता है और एक लंबे टाइम तक एक्सेस भी किया जा सकता है। देन नेक्स्ट टाइप है नो एसक्यूएल डेटाबेस। यह एक नॉन रिलेशनल डेटाबेस है। इससे डेटा को अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड तरीके से स्टोर किया जाता है। यह डेटाबेस बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। इसका यूज़ डेवलपर ज़्यादा करते हैं क्योंकि यह कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन के लिए राइट वर्क करता है। देन जो नेक्स्ट टाइप है वो है ग्राफ डेटाबेस। यह डेटाबेस डाटा को स्टोर करने के लिए ग्राफ थ्योरी का यूज़ करता है। इस टाइप के डेटाबेस का ज़्यादातर प्रयोग इंटरकनेक्शन को एनालाइज करने के लिए किया जाता है। एग्जांपल के लिए ग्राफ डेटाबेस का यूज़ सोशल मीडिया से कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। देन जो नेक्स्ट टाइप है वो है नेटवर्क डेटाबेस। यह डेटाबेस में डेटा को एक नेटवर्क के रूप में स्टोर और एक्सेस करते हैं। यह बहुत ही हार्ड डेटाबेस स्ट्रक्चर है। इसमें एक ज़्यादा पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होती है। इसका यूज़ आजकल कम किया जाता है। इसके स्थान पर रिलेशनल डेटाबेस का यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट टाइप है हायरार्किकल डेटाबेस। यह डेटाबेस डेटा को ट्री की तरह स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसमें केवल एक ही रूट होता है जिसमें डेटा को रिकॉर्ड की तरह स्टोर किया जाता है जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। देन फ्रेंड अब जान लेते हैं डेटाबेस के कौन से एप्लीकेशंस हैं, डेटाबेस कहाँ कहाँ यूज़ होता है। रेलवेज रिजर्वेशन में डेटाबेस का यूज़ रेलवेज रिजर्वेशन में टिकट बुकिंग, ट्रेन की डिपार्चर और अराइवल जानकारी को स्टोर करने के लिए किया जाता है। लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स होती है, उनका रिकॉर्ड किसी रजिस्टर में रखना मुश्किल होता है, इसलिए बुक्स की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए डेटाबेस का यूज़ किया जाता है। देन बैंकिंग में भी इसका यूज़ होता है। बैंकिंग में कस्टमर की इंफॉर्मेशन और मनी ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह बैंक में हर दिन हज़ारों ट्रांजेक्शन होते हैं जिनको डेटाबेस बहुत ही इजीली स्टोर करके रखता है। देन कॉलेजेस में स्टूडेंट और टीचर की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसमें फीस के रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए भी किया जाता है। देन सोशल मीडिया साइट्स में आज के समय में सोशल मीडिया साइट जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एट्सेट्रा का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। इनमें हर दिन लाखों नए अकाउंट बनते हैं और लोग इमेज को अपलोड करते हैं। इन सभी डेटा को स्टोर करने के लिए डेटाबेस का यूज़ किया जाता है। देन मिलिट्री में लाखों सैनिक की इंफॉर्मेशन और हथियारों के रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। देन लास्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज में, इसका यूज़ एम्प्लॉयज सैलरी, पेरोल और पेचेक एट्सेट्रा की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए किया जाता है। सो फ्रेंड उम्मीद है आपको डेटाबेस क्या होता है समझ में आ गया होगा। अगर आपके लिए ये इंफॉर्मेशन यूज़फुल रहा होगा तो आप अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। और इससे रिलेटेड कोई भी आपके मन में क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।